हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गो इजी विद डॉली में। हमने आज पनीर ले रखा है, चलिए हम चिली पनीर बनाते हैं। इसमें एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर डाल रखा है, एक चम्मच मैदा और एक चम्मच मैदा डाला है, थोड़ा सा नमक। अब इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, अब मिला लेंगे अच्छे से। इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे का लगभग बराबर रेशियो होता है। मुझे थोड़ा सा कोटिंग कम लग रही है इसलिए थोड़ा सा और डाल रहे हैं। आप जो मर्जी, चाहे मैदा डाल दीजिए चाहे कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। अब देखिए अच्छे से कोटिंग हो गई है इसकी। अब हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डालेंगे। अब इसमें पनीर को डीप फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन डीप फ्राई करेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे एक ही साइड ना हो। देखिए हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी है और साथ में क्रिस्पी भी होने लगी है। अब जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे पनीर उतनी ही क्रिस्पी होगी। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। जो पीस नहीं, जिस साइड से हुए उसे उन्हें पलट देंगे। देखिए कितनी अच्छी पक रही है। अब हम इसे निकाल देंगे। टिश्यू पे निकालेगा जिससे एक्स्ट्रा तेल अब्सॉर्ब कर लेगा। अब हम इसी कढ़ाई में तेल खाली करके दूसरा तेल डाल करके चिली पनीर बनाएंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल लेंगे तो इसमें देखेंगे कि अच्छे से गर्म हो जाए, जिससे इसकी स्मेल निकल जाए। अब देखिए धुआं छोड़ने लगा है। और चिली पनीर तेज फ्लेम पे ही बनाइएगा जिससे और अच्छी बनती है। हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले रखा है, पेस्ट नहीं, आप इसे दरदरा हम क्या कह सकते हैं। 1 कटोरी टमाटर, जो लगभग 1 बड़ा टमाटर है, इसको अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमेशा तेज ही रखेंगे। अब टमाटर का पानी सूख चुका है, अब इसमें एक कटोरी प्याज, जो 1 बड़ा प्याज है जिसको हमने निकाल रखा है बीच से, 1 शिमला मिर्च और हरा प्याज, इसे अच्छे से मिला लेंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। हमने वही बाउल लिया है जिसे पनीर में यूज़ किया था। इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ये चिंग्स का मसाला है, जो मेरे पास चिली पनीर नहीं है, सुहाना का इस समय चिली पनीर है, हम इसे यूज़ करेंगे। चिंग्स का मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने 2 चम्मच सुहाना का मसाला लिया है। इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और ज़्यादा पकाएंगे नहीं। चिली सॉस, तब सोया सॉस 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। वेनेगर 1 चम्मच, टमाटो सॉस, हमने बुश का रेड कलर ले रखा है, इसे मार्केट में और भी कलर आते हैं अशोक अशोक का। इसे नॉर्मल पानी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ग्रेवी बनाने के डाल लेंगे हम शिमला मिर्च और प्याज को, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसका क्रिस्पीपन रखेंगे। और कॉर्नफ्लोर, आप अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो कॉर्नफ्लोर ज़्यादा रखेगा, और ग्रेवी कम चाहिए तो कॉर्नफ्लोर कम रखेगा। हमने मिर्ची बाद में डाली है क्योंकि मुझे कम स्पाइसी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप अदरक लहसुन के साथ भी मिर्ची डाल सकते हैं, तो स्पाइसीपन बढ़ जाता है। इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे वरना गांठें पड़ जाएंगी, कॉर्नफ्लोर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं,
और ये थिक होने लगा है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो रहा था। ग्रेवी हल्का सा पकाएंगे और पनीर डाल देंगे। पनीर डाल के तुरंत ही सर्व करेंगे जिससे इसका क्रिस्पीपन बना रहे सब्जी का और पनीर का, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। पनीर डाल के मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये लगभग तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए शिमला मिर्च और पनीर सब क्रिस्पी नज़र आ रहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।